हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं ज़ोया, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ईद उल अज़हा यानी बकराई स्पेशल में मटन दम बिरयानी लेकर आई हूँ, वो भी कच्चे गोश्त की, यानी कच्चे मटन की बिरयानी बनाएंगे, दम बिरयानी, बिल्कुल मज़ेदार, बाज़ार जैसी और उससे बेहतर। तो चलिए स्टार्ट करें। बड़ी प्याज को मैंने फ्राई करके रख लिया अलग। चटनी में मैंने दो तीन हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा हरा धनिया लेकर हम एक चटनी बना लेंगे। पानी थोड़ा डालेंगे। किलो हमारा गोश्त है, चिकनाई वाला गोश्त है ये। और मसालों में मैंने एक चम्मच भर के नमक लिया है, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, दो चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च ली है और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर हल्दी ली है। और ये हमारा होममेड बिरयानी मसाला है, दो चम्मच भर के मैंने लिया है ये। और कुछ हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से काटा है, दो से तीन हरी मिर्च है और आधा नींबू लेंगे हम। और एक कटोरी मैंने दही ली है, यानी 50 ग्राम के करीब मैंने दही लिया है। और यहाँ मैंने सरसों का तेल ले रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं या कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं, लेकिन अगर सरसों का लें तो पका हुआ तेल लें, कच्चा तेल ना डालें इसमें। और बिरयानी में खूबसूरत कलर के लिए एक चम्मच केवड़ा वाटर में मैंने चुटकी भर हल्दी मिला के रखा है और घोल लिया है उसको। और यहाँ हम जो चटनी हमने बनाई थी, दो चम्मच लूँगी मैं यहाँ पर चटनी। आप तीखा अगर ज़्यादा लेते हैं या खाते हैं तो ले सकते हैं इसको ज़्यादा। और यहाँ मैंने कच्चा पपीते का पेस्ट बना के रखा है, ये मैं दो चम्मच भर के डालूँगी जिससे हमारा मटन टेंडर होगा अच्छे तरीके से। और ये वही जार है जिसमें चटनी बनाई थी। थोड़ा गर्म पानी लेंगे, ठंडा पानी नहीं डालना हमने। और वो जो प्याज हमने फ्राई करी थी वो मैं लूँगी इसमें मैरिनेशन के लिए। अब हम सबसे पहले नींबू डालेंगे, आधा नींबू लिया है मैंने ये। और अगर आप चाहें, अगर आपका मीट 1 किलो है, 2 किलो है या 1.5 किलो बना रहे हैं बिरयानी, तो उसके हिसाब से नींबू लें और हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, बोटियों में लग जाए। मसाले डाल देंगे, बिरयानी मसाला हमारा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चटनी डालेंगे, चटनी से अलग ही टेस्ट आता है इस बिरयानी में, तीखी बनती है, मज़ेदार, चटकारे वाली। और यहाँ मैंने कच्चा पपीता डाला है। दही डालेंगे, दही मैं अभी आधी डालूंगी, आधी बाद में डालेंगे। तो कच्चा पपीता मैंने इसलिए डाला है ताकि हमारा गोश्त बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो और जूसी बने। और आप अगर बिरयानी बनाते हैं, यखनी पुलाव बनाते हैं बिरयानी, तो उसमें सीटी लगा के हम गोश्त को गलाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कच्चे मीट की बना रही हूँ दम बिरयानी, तो इसके लिए मैंने कच्चा पपीते का पेस्ट लिया है। आप भी इसे इसी तरीके से बनाएं, कच्चा पपीता ज़रूर डालें ताकि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से टेंडर और जूसी हो बने। अब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। इसमें अब हम केवड़ा वाटर डालेंगे जिसमें हमने चुटकी भर हल्दी मिलाई थी, और चुटकी भर ही मैंने इसमें फूड कलर डाला था जिससे कलर भी बहुत अच्छा आता है। आप अच्छे तरीके से मिक्स करें। और यहाँ पे मैं फ्राइड ऑनियन डाल दूँगी, थोड़ी डालेंगे, थोड़ी हम बाद में डालेंगे। केवड़ा मैंने इसलिए डाला है ताकि हमारी बिरयानी में अलग सी खुशबू आए, महक आए अच्छी सी। और तेल डालेंगे, तेल मेरा पका हुआ है, सरसों के तेल में बना रही हूँ मैं ये। आप चाहें तो इसको रिफाइंड में भी बना सकते हैं। और गरम पानी लेना है, गरम पानी डाला है मैंने, थोड़ा पानी डाला है गरम, ठंडा पानी आपने नहीं डालना, ना ल्यूकवॉर्म डालना है, बिल्कुल गरम पानी डालना है आपने इसमें। कम से कम हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, एक एक बोटी में हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से जाना चाहिए। अब मैं इस पॉइंट पे एक चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, आप चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं लेकिन मैं बाद में डालती हूँ। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें दही डाल दूंगी बाकी की। और पानी मेरा हाफ कप लगा है गरम पानी, और आप चाहे अपने हिसाब से डालें पानी। तेल मेरा 3 से 4 चम्मच लगा है। अब मैं इसको 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, आप चाहे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। हम चावल बना लेते हैं। आधा किलो चावल मैंने 2 घंटे से भिगो के रखे थे, गोल्डन सेल है, आप चाहे बासमती ले सकते हैं। यहाँ एक बड़ी इलायची ली है मैंने, 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची ली है। 5 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे भिगो के रखा था पानी से, ताकि डस्ट मिट्टी वगैरह है वो भी इसकी साफ़ हो जाए अच्छी तरीके से। और 3 चम्मच भर के नमक लूँगी मैं। पानी मैंने इतना लिया कि चावल हमारे अच्छे तरीके से भीग जाए, और थोड़ा पानी ऊपर है क्योंकि पसार के बनाने वाले हम ये चावल। और थोड़ा सा तेल डालूंगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 चम्मच तेल डालेंगे हम इसमें।
और मैंने आधा चम्मच शाहजीरा लिया है, और इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे पानी को। पानी का उबाल आने के लिए इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रखूँगी, फिर उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे अपने। उबाल आने के बाद चावल डाल दूँगी मैं, और चावल को हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे चावल, ताकि टूटे नहीं। 5 मिनट लगेंगे इसमें, और फुल गैस है मेरी, और ये देखें 75% हमें चाहिए चावल। ये देखें अच्छे तरीके से हो गए। अब मैं स्ट्रेन कर लूँगी, गैस का फ्लेम मैं बंद कर दूँगी। स्ट्रेनर की मदद से मैं सारे चावल निकाल लूँगी थोड़े थोड़े करके, और जो खड़े मसाले आ रहे हैं वो हमें चाहिए, वो हमें नहीं फेंकना। पानी मैं इसमें 500 ml के करीब मैं पानी ले लूँगी बिरयानी के लिए। आपके चावल जितने हैं, जितनी की आप बिरयानी बना रहे हैं, उसी हिसाब से पानी इसमें से निकाल लें, फिर पानी फेंकें। सारे चावल मैं निकाल लूँगी और खड़े मसाले भी निकाल लूँगी। और जो टेंडर के लिए मीट रखा था वो डाल देंगे पतीले में। इसे खुले बर्तन में बनाएं, जितना खुला बर्तन होगा उतनी ही अच्छी आपकी बिरयानी बनेगी, नहीं तो बिरयानी पिस पिसी सी बन जाती है। और अच्छे तरीके से फैला देंगे पतीले में। और यहाँ मुट्ठी भर के मैंने धनिया पत्ता डाला है, धनिया पत्ते से खुशबू बहुत अच्छी आती है। और यहाँ मैं 3 से 4 हरी मिर्च ले रही हूँ, लंबा लंबा काटा है मैंने। खड़े मसाले में मैंने 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 2 हरी इलायची, बस इतना ही हमने लिया है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पुदीना लिया है, पुदीने से बहुत अच्छी महक आती है। अब मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लूँगी। हमने मैरिनेशन के लिए सरसों का तेल लिया था, और यहाँ मैं बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। यहाँ मैंने 3 से 4 चम्मच लिया है। और अब मैं इसमें अपने चावल डाल दूँगी, जो चावल हमारे थे पक गए थे चावल। और चावल देखें इस तरीके से फैला फैला के हल्के हल्के हाथ से, ताकि चावल खिला खिला बने और एक जगह इकट्ठा ना हो जाए चावल हमारा। तो इस तरीके से चावल हमने डालने हैं पतीले में। ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ, आप भी इसी तरीके से डालना, नहीं तो चावल अगर आपने एक जगह डाल दिया तो चावल सिर्फ एक जगह ही इकट्ठे हो जाएंगे, हमारे खिले खिले नहीं बन पाएंगे चावल। और अच्छे तरीके से हम इसको फैला देंगे चावलों को भी। यहाँ मैंने सारे चावल डाल दिए, और अब मैं इसको इक्वल कर लूँगी जगह जगह से, जैसे चावल हमारे लग जाते हैं। और अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे हल्के हाथ से चावल को, ताकि चावल अच्छे तरीके से बैठ जाएँ, मटन के साथ में अच्छे तरीके से गल जाएंगे, नहीं तो चावल ऊपर ऊपर रहता है। चावल को हल्के हाथ से हमने प्रेस करना है। अब हम इसमें अपनी फ्राइड ऑनियन डाल देंगे, थोड़ी सी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो मीठी मीठी बनेगी बिरयानी हमारी। अच्छे तरीके से चारों तरफ फैला देंगे। पानी डाल देंगे अब हम इसमें, जो पानी हमारा चावलों में से हमने लेके रखा था, 500 ml के करीब मैं पानी डालूँगी इसमें, क्योंकि देखें हमारा दही भी पानी छोड़ेगा, मटन भी पानी छोड़ेगा, तो पानी का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो पानी ज़्यादा हो गया तो चावल पिस जाएंगे। और अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी डालूँगी, देसी घी से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और फॉइल पेपर से मैं इसको कवर कर दूंगी, ताकि स्टीम हमारी बाहर ना निकले, क्योंकि अगर स्टीम बाहर निकलेगी तो हमारा गोश्त अच्छे तरीके से नहीं गल पाएगा जितना हमें चाहिए। यहाँ ढक्कन ढक के देंगे, और अच्छे तरीके से हम इसको प्रेस करेंगे, ताकि स्टीम बिल्कुल भी बाहर ना निकले। अब इसको अच्छे तरीके से कवर करके फुल फ्लेम पे 15 मिनट पकाएंगे, फिर उसके बाद में 25 मिनट स्लो फ्लेम पे। और एक भारी सा बर्तन हम रख देंगे या चकला हम रख देंगे इसके ऊपर, ताकि स्टीम बिल्कुल भी बाहर ना निकले। 15 मिनट हो गए बिरयानी को पकते हुए फुल फ्लेम पे। अब मैंने यहाँ पे तवा रखा है दम के लिए, और स्लो फ्लेम कर दूँगी जैसे तवा गर्म होगा, और बिरयानी को 20 से 25 मिनट के लिए रख दूँगी दम पे। यानी हमारी बन चुकी है, और फॉइल पे देखें कितना पानी आ गया स्टीम का। और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखूँगी, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। लीजिए हमारी कच्चे गोश्त की मटन दम बिरयानी तैयार है। और इस बकरीद आप इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई करें, अलग तरीके से बनाएं बिरयानी और तारीफ़ें बटोरें। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। और तो मिलती हूँ आपको मैं अगली रेसिपी में, अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।